हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपके फ़ोन के अंदर भी अगर रिसीवर अगर बंद हो गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। रिसीवर से आवाज़ आनी बंद हो चुकी है और उसके बाद में जैसी लाउड स्पीकर करते तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों लाउड स्पीकर हमारा वर्क कर रहा है लेकिन उसके बाद में रिसीवर हमारा वर्क नहीं कर रहा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूट्यूब पे अगर कोई भी अगर वीडियो देखते हो या गाना सुनते हो तो आपके दोनों ही स्पीकर वर्क करते हैं। तो दोस्तों आप अगर आपके फ़ोन के अंदर भी अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आ रखी है तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो मैं आज इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रखी है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रखी है, दोस्तों पूरी बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो ऐसी वीडियो में बने रहे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। और टाइम को जाया ना करते हुए मैंने इसको पहले ही ओपन कर रखा है। और आप जानना चाहते हो कि ये फ़ोन कैसे ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है। और आपको कहीं पर कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पत्ती हटाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैटरी कनेक्टर को हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको रिसीवर पत्ते को खोलना है, सिर्फ इसके स्क्रू को हटाना है और स्पीकर को बाहर निकालना है। सिर्फ दो पॉइंट इसके दे रखे हैं, उसको दोनों पॉइंट से आपको स्पीकर को जैसे इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको स्पीकर को बाहर निकालना है। ये इसका रिसीवर है और लाउड स्पीकर भी यही होता है। और मेरे पास ऐसा ही ओरिजिनल दूसरा भी है और आप इसको आईफोन और वन प्रो के अंदर भी लगा सकते हो। ये एक ही और ये स्पीकर किस प्राइस का पड़ता है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ जाके आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। और इस ओके स्पीकर को आपको जहाँ से आपने ख़राब स्पीकर को निकाला था वहाँ पर आपको जॉइंट कर देना है। और जो ख़राब जो स्पीकर निकला है उसकी मैं आपको मल्टीमीटर पे अभी रीडिंग भी बताऊंगा कि वो क्या रीडिंग दे रहा है। जैसे मैंने इसको नॉर्मली इसको लगा दिया, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। और इसी तरीके से आपको भी काम करना है, बस मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा। अब ये स्क्रू मैं लगाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये स्पीकर हमारा ओके हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों अगर आप ऐसी मज़ेदार वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो अगर मेरी रोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो ये जैसे अभी ऑन हो चुका है, ये एप्पल पे आ चुका है। अभी मैं आपको पूरा चेक कराऊंगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व मैंने करी है। और ये देखो, ये मैंने 198 मिलाया और उसके बाद में मैं आपको रिसीवर की आवाज़ सुनाता हूँ। जैसे यहाँ पर शोर हो रहा है काफ़ी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे आप सुन सकते हो आवाज़, ये बिल्कुल ओके हो चुका है, इसमें नहीं है कोई दिक्कत। अब ये लाउड स्पीकर के अंदर भी आवाज़ तेज ही आ रही है। अब मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो ख़राब स्पीकर जो हमारा निकला है वो क्या रीडिंग दे रहा है। जैसे ये इसका ख़राब स्पीकर है जो हमने जो स्पीकर फ़ोन में से निकाला है ये वो है। अब देखो ये जीरो रीडिंग दे रहा है, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ये ख़राब बता रहा है इस टाइम पे। मल्टीमीटर के अंदर कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन के अंदर भी अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आ रखी है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर फ़ोन के अंदर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो सारा सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप मेरी शॉप पर भी आके अपने फ़ोन को रिपेयर करा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी शॉप का एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और शेयर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।